हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्वल पाठक और आप इसे मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जिप फाइल्स के बारे में एंड देखा था कि जो मॉड्यूल हमें यूज़ करना था उस मॉड्यूल का नाम था जिप फाइल। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है पाइथन के साथ, तो हमें इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी जिप फाइल का कंटेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले बात करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली या क्विकली कहें, मैं अपने जिप फाइल मॉड्यूल पर DIR फंक्शन लगा के दिखाता हूँ कि जिप फाइल प्रिंट DIR ऑफ जिप फाइल। ओके, DIR जिप फाइल। ओके, एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो अभी मुझके इसके अंदर के कौन कौन से क्लासेज और फंक्शंस हैं उनके नाम पता चल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हो गए कौन कौन से क्लासेज और इस सॉरी फंक्शंस हैं इस जिप फाइल मॉड्यूल में। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बैड जिप फाइल। ओके, देन कुछ एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं। जिप फाइल एक मॉड्यूल क्लास है। ओके, जिसमें से मैं सबको नहीं पहचानता, बट कुछ चीज़ों का मैंने यूज़ किया है तो सिर्फ उन्हीं को जानता हूँ एंड मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। जिप राइट फाइल है, जिप डिक्रिप्टर है। ओके, देन कुछ क्लासेज हैं, फाइनली कुछ फंक्शंस हैं। ओके, तो ये कंटेंट है इसका, इसमें से हम कुछ का यूज़ करेंगे अभी आगे। ओके, वीडियोज़ में। तो ये बात तो हो गई DIR फंक्शन की। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज़ कि मुझे किसी जिप फाइल का कंटेंट प्रिंट करना, किसी जिप फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज़ यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट वीडियो में एक जिप फाइल बनाई थी पाई बेसिक्स नाम की, बट मैंने वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। ओके, विन RAR सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, बट हम इस सीरीज में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे, हम पाइथन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज़ ये आपको किसी जिप फाइल में क्या क्या कंटेंट है अंदर वो चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो अभी मैं इसको सॉफ्टवेयर की मदद से ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर देखिए तीन फोल्डर्स हैं एंड देन कुछ फाइल्स हैं। ओके, .py से एंड हो रही हैं कुछ फाइल्स एंड देन तीन फोल्डर्स हैं। ओके, तो मुझे सपोज़ कि इसके अंदर का सारा कंटेंट पता करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो मुझे जिप फाइल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना था, वो मैंने कर लिया। स्पेसिफिकली कहते तो इसमें मुझे सिर्फ एक क्लास की ज़रूरत है, पूरे जिप फाइल मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको सिर्फ एक क्लास या फंक्शन की ज़रूरत होती है किसी मॉड्यूल में, तो आप सिर्फ उसी को इम्पोर्ट करते हो। ओके, तो मैं सिर्फ एक क्लास की मुझे ज़रूरत है, मैं उसी को इम्पोर्ट करता हूँ। फ्रॉम जिप फाइल इम्पोर्ट जिप फाइल। ओके, सॉरी मेरी जो क्लास है उसका नाम है सॉरी जिप फाइल क्लास। ओके, जिप फाइल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मॉड्यूल का नाम है वो स्मॉल लेटर्स में जिप फाइल एंड जो क्लास है जिप फाइल इसमें J, Z और F जो है कैपिटल। ओके, मुझे क्या करना है, इस फाइव बेसिक्स फोल्डर का सॉरी इस फाइव बेसिक्स जिप फाइल का कंटेंट चेक करना है। ओके, उससे पहले एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी फोल्डर सेम लोकेशन पर है जहाँ पर ये जिप फाइल आपकी सेम लोकेशन पर है जहाँ पर आपकी पाइथन फाइल है। देखिए यहाँ पर मेरी content.py जो अभी मैं इस समय यूज़ कर रहा हूँ content.py एंड मेरी जिप फाइल एक ही जगह पे है। ओके, तो मुझे सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है फाइल नेम, आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं सिंपली फाइल नेम बनाता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, इसकी लोकेशन पास कर दूँगा, ये देखिए pybasics.zip है। ओके, इस फाइल की लोकेशन मैंने फाइल नेम वेरिएबल में स्टोर कर रखी है। अगर कहीं आपके किसी और फोल्डर में है तो आप पूरा पास जो है कॉपी कर लें। कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आप कॉपी पास कर देंगे तो पूरी फाइल की लोकेशन कॉपी हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप, बट यहाँ पर सिंपली मेरे एक ही फोल्डर में मेरी पाइथन फाइल और जिप फाइल, तो मैंने सिंपली यहाँ पर नाम लिख दिया। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, अगर आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पर हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, बट यहाँ पर हम ओपन फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हमने जो क्लास यहाँ पर इम्पोर्ट की है उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एफ नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड जिप फाइल क्लास को यूज़ करते हैं। देखिए इसमें आपको दो वैल्यूज़ पास करनी है, सबसे पहले तो फाइल नेम, ये मेरी फाइल नेम है, तो मैं सिंपली ये वेरिएबल पास कर देता हूँ। ओके, एंड देन मोड जिसमें आप इसको ओपन करना चाहते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ इसका कंटेंट पढ़ना है, पढ़ना मतलब रीड करना है, तो मैं सिंपली R मोड में इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, एंड देन अगर आपने कोई फाइल ओपन की है तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, हम लोग ये फाइल हैंडलिंग में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ओके, तो मैंने यहाँ एफ डॉट क्लोज भी कर दिया लास्ट में। ओके, एंड अब मुझे क्या करना है, इसका कंटेंट प्रिंट करना है, तो सिंपली एक स्टेटमेंट है या आपका फंक्शन है प्रिंट DIR फंक्शन, मुझे इसका यूज़ करना है।
ओके एफ डॉट प्रिंट डी आई आर, ये प्रिंट डी आई आर फंक्शन इस जिप फाइल क्लास में डिफाइंड है ओके। तो यहाँ मैं एफ डॉट प्रिंट डी आई आर लगाता हूँ एंड अगर मैं इस प्रोग्राम का रन करूँ तो मुझे इस उस जिप फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो देखते हैं ओके। तो एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा फाइल्स हैं जिप फाइल के अंदर हमारे, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको पहले ये ओपन करके दिखा दूँ ओके। तो ये सब कुछ फोल्डर्स हैं एंड फाइल्स हैं जो हमारे अभी यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। देखिए यहाँ पे प्रिंट भी हो गई है ओके। तो मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले फाइल नेम लिखा है एंड देन आखिरी बार को अब उसको मॉडिफाई किया गया था एंड देन साइज इन बाइट्स ओके। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग्स नाम का फोल्डर है इसको चेक करते हैं, सॉरी इसमें है ओके। तो देखिए एक स्ट्रिंग्स नाम का फोल्डर है ओके। देखिए क्या लिखा है, स्ट्रिंग स्लैश, उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं स्ट्रिंग्स नाम के फोल्डर के अंदर फ्लोट फॉर्मेट डेट पी वाई। तो इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्लोट फॉर्मेट डॉट पी वाई, फॉर्मेट एस टी आर डॉट पी वाई, तो ये सब कुछ फाइल्स हैं जो हमारे सामने प्रिंट हुई हैं ओके। देन कुछ फाइल्स हैं टू डी लिस्ट डॉट पी वाई, अपेंड डॉट पी वाई, एसेट डॉट पी वाई, ये सब भी इसके बाहर हैं। तो देखिए टू डी लिस्ट डॉट पी वाई, अपेंड डॉट पी वाई, एसेट डॉट पी वाई ओके। तो ये सब फाइल्स के नाम हैं एंड देन हमारे पास दो फोल्डर्स और हैं उनको भी देख लेते हैं। ओके एक एक फोल्डर हमारा ये रहा फाइल्स नाम का फोल्डर। तो यहाँ पर देखते हैं ये रहा हमारा फाइल्स नाम का फोल्डर, इसके अंदर सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं, टीएक्सटी 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 ओके। एंड देन एक फोल्डर फाइनली और बचा है प्रोजेक्ट्स डॉट पी वाई, सॉरी प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर होगा, मैं बाहर आऊँ। ये देखिए प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स हैं, तीन पाइथन फाइल्स है, एक टेक्स्ट फाइल है ओके। तो इसके अंदर देखिए तीन पाइथन फाइल्स हैं, एक टेक्स्ट फाइल ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी जिप फाइल का कंटेंट पता कर सकते हैं जिप डी आई आर फंक्शन की मदद से ओके। तो अभी हम जब आगे काम करेंगे तो हमें सिंपली इसी क्लास के साथ काम करना है अभी कुछ आगे वीडियोज़ तक ओके। तो उस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है अगर आपको तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।